WWE SmackDown 15 अक्टूबर 2021 को द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये आखिरी SmackDown है क्रॉन ज्वेल से पहले, तो अब क्रॉन ज्वेल के दोनों दुश्मन यानी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस SmackDown में बहुत सारे धमाल करेंगे। और इस आखिरी SmackDown में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए भी फाइट होगा, जहां पर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए फिन बैलर वर्सेस सैमी जेन का मैच हो रहा है और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए जेलिना वेगास और कार्मेला का मैच हो रहा है। और हमें SmackDown वुमेन चैंपियन बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक का मैच भी SmackDown में देखने को मिलेगा। ये SmackDown 2.5 घंटे का SmackDown होने वाला है, तो इस SmackDown में बहुत सारे धमाल होने के चांसेस है। SmackDown में और क्या क्या होगा ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि इस वीक के SmackDown में और क्या क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट और क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए मैच हो रहा है फिन बैलर वर्सेस सैमी जेन का, और इस मैच में जीत सकते हैं फिन बैलर, और उसके बाद फिन बैलर किंग ऑफ द रिंग बनने के लिए क्राउन ज्वेल में फाइट कर सकते हैं। और अगर हम करें लड़की में बात, तो कार्मेला और जेलिना वेगास में मुझे ऐसा लगता है कि कार्मेला जीत सकती है, क्योंकि अभी WWE कार्मेला के कैरेक्टर को थोड़ा पुश दे रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कार्मेला इस मैच में जीत सकती है। अगर हम बात करें WWE वुमेन चैंपियन साशा बैंक और बेकी लिंच के मैच के बारे में कि इस मैच में क्या होगा, तो इस मैच में मुझे लगता है कि साशा बैंक बेकी लिंच को हरा देंगी। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को याद होगा कि जब बियांका बेला और साशा बैंक का मैच हो रहा था तो बेकी लिंच की वजह से बियांका बेला हार गई थी, तो ऐसी अब बियांका बेला बेकी लिंच को इस मैच में हरवा देंगी और साशा बैंक इस मैच में जीत जाएंगी। और अगर हम बात करें क्राउन ज्वेल की, तो क्राउन ज्वेल में मुझे ऐसा लगता है कि बेकी लिंच इन दोनों को हरा के अपने टाइटल को जरूर बचाएंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम फाइनली बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बारे में। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच क्राउन ज्वेल 2021 में हो रहा है यूनिवर्सल टाइटल के लिए, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये SmackDown आखिरी SmackDown है क्राउन ज्वेल से पहले, तो इस SmackDown में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक दूसरे के सामने फिर से फेस टू फेस आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पे भारी पड़ेंगे या रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर पे भारी पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस इस बार ब्रॉक लेसनर पे भारी पड़ेंगे। इसके रीजंस क्या है मैं आपको बताता हूं। आप लोग सोचिए, जब से ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटर्न आए तब से ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रॉक लेसनर पहली बार आके रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं, दूसरी बार आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं, यहां तक कि ब्रॉक लेसनर जिमी और जे उसो दोनों को मारते हैं और दोनों को F5 भी दे देते हैं, और ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की भी सारी पोल रोमन रेंस के सामने खोल के रख देते हैं। जब भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर फेस टू फेस आ रहे हैं तो ब्रॉक लेसनर ही रोमन रेंस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीक के SmackDown में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वीक के SmackDown में ट्राइबल चीफ हेड ऑफ टेबल रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, और मुझे लगता है कि रोमन रेंस और द उसोस मिलकर ब्रॉक लेसनर के ऊपर जरूर अटैक करेंगे, और इस अटैक में शायद पॉल हेमन भी रोमन रेंस की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जब फेस टू फेस आए तो कौन किस पे भारी पड़े, और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे मेरी डाली गई कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।